मेरे साथ है कृषा पारेख, शी इज अ हेयर स्टाइलिस्ट एंड मैं उनके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज मैं कृषा के पास आई हूँ केराटिन ट्रीटमेंट कराने के लिए। सो कृषा, केराटिन ट्रीटमेंट क्या है? केराटिन ट्रीटमेंट एक्चुअली नॉर्मल प्रोटीन ट्रीटमेंट है। मीन्स बेसिकली अपने बालों का जो नेचुरल प्रोटीन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, यू नो, लाइक देयर इज लॉस ऑफ पोल्यूशन अगेन, केयर नहीं करते हैं प्रॉपर, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता केयर करने के लिए। तो दिस इज आर्टिफिशियल प्रोटीन जो हम लोग आपके बालों में पेनिट्रेट करते हैं। तो मैंने 1-1.5 साल पहले केराटिन ट्रीटमेंट कराया था। अभी तो ये मेरे नेचुरल हेयर है, स्ट्रेटनिंग नहीं किया हुआ, सेम ओरिजिनल टेक्सचर जस्ट हेयर वॉश के बाद का। सो मेरा लुक कैसा आएगा इसके बाद? सी बेसिकली अभी जैसे मैंने आपका हेयर टेक्सचर चेक किया, सो यू हैव लाइक थोड़ा फ्रीजीनेस है आपके बालों में और थोड़ा डलनेस है, मींस देयर इज नो शाइन इन योर हेयर, राइट? सो बेसिकली अगर आप केराटिन करते हो सो यू विल गेट नाइस शाइन, सिल्की एंड सॉफ्टनेस है। और कृष्ण, मैंने सुना है कि ये सिस्टीन ट्रीटमेंट भी एक अलग है, तो केराटिन और सिस्टीन के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सी बेसिकली सिस्टीन एंड केराटिन काइंड ऑफ सेम ट्रीटमेंट, बट अगेन केराटिन में देयर इज 2% फॉर्मलियरिड आता है जो कि थोड़ा स्ट्रांग होता है और उससे बालों को काफी लास्टिंग रिजल्ट मिलता है। एंड सिस्टीन इज अगेन लाइक क्वाइट कम्प्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसमें जरा भी केमिकल नहीं है और उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा लास्टिंग नहीं होता है। मीन्स हार्डली 1-2 महीने, लाइक 4-8 वीक्स तक आपका रिजल्ट। और ये केराटिन कितने टाइम तक लास्ट करेगा? केराटिन हार्डली 3-4 मंथ्स अगर आप अच्छे से शैम्पू कंडीशनिंग वगैरह मेंटेन करोगे, ज़्यादा थोड़ा केयर करके अच्छे से मेंटेन करोगे तो आराम से 3-4 मंथ्स तक रह जाता है। सो बेसिकली जिसके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, जिसके बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स आते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर उन्हें चेंजेस चाहिए तो? हाँ, बेसिकली अगेन सेम थिंग कि वो हेयर टेक्सचर के ऊपर डिपेंड रहेगा। मीन्स आपका बाल कितने लेवल तक डैमेज है, ड्राई है, उसके ऊपर उसका रिजल्ट डिपेंड रहेगा, मीन्स लास्टिंग करेगा। और मुझे इसके लिए केयर क्या करना पड़ेगा, शैम्पू कंडीशनर या आफ्टर केराटिन का क्या क्या केयर होगा? सी आफ्टर केराटिन बेसिकली आपको बालों को ज़्यादा वॉश नहीं करना है, वीक में हार्डली 2-2x वॉश करना आपको। देन यू हैव टू यूज पर्टिकुलर शैम्पू, जैसे कि पर्टिकुलर शैम्पू उसका आएगा, ये शैम्पू है और ये कंडीशनर आएगा उसका। सो बेसिकली यू हैव टू यूज दिस प्रोडक्ट ओनली। अगेन आपके पास अगर ये नहीं होता है पॉसिबल तो आप एनी काइंड ऑफ सल्फेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनिंग आप यूज कर सकते हो। और ये केराटिन में स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, पहले आप क्या करोगे? सी केराटिन में पहले तो हम आपका शैम्पू करेंगे। शैम्पू में जो आपके बालों का पीएच लेवल जो है वो अपने को बैलेंस करना रहता है। सो वी स्टार्ट फर्स्ट लाइक 2-3 टाइम्स शैम्पू करेंगे आपको। शैम्पू करने के बाद आपका जो हेयर का नेचुरल क्यूटिकल है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद अपने को जस्ट ड्राई करना है, ब्लास्ट ड्राई करके जो केराटिन का ट्रीटमेंट आता है वो अप्लाई करेंगे। विल कीप इट 25-30 मिनट्स, देन विल डू ब्लास्ट ड्राई। ब्लास्ट ड्राई के बाद उसको आइनिंग करना है, तो आइनिंग का टेम्परेचर है अराउंड 250-230 तक टेम्परेचर रख के उससे आइनिंग करना है। आई थिंक हमने केराटिन के बारे में जो भी जानना था सब जान लिया, एंड प्रोसेस स्टार्ट करें फिर? यस, विल स्टार्ट प्रोसेस। के बाद अपन ने ब्लास्ट ड्राई किया, ब्लास्ट ड्राई करने के बाद अपने अपने ट्रीटमेंट अप्लाई किया, ठीक है? अभी ट्रीटमेंट का एप्लीकेशन हो गया पूरा, नाउ वी हैव टू प्रोसेस, लाइक 35 मिनट्स अपने को प्रोसेस के लिए रखना है। इसके लिए अभी बिकॉज इसमें फॉर्मलियडेड है तो अगर हम लोग क्लीन रैप से रैप करेंगे तो अच्छे से वर्क करेगा बालों के इधर, तो इसके लिए अपन ने क्लीन रैप से उसको रैप करके 35 मिनट्स विल वेट। It's been 2
2 days since the product has been sitting in my hair. My hair looks really, really chumpo, and I'm kind of excited to get it washed now. Let's see the end results. Final look looks like, you guys, this is after one hair wash. I just wanted to show you what happens after a hair wash. This is like a really bold move for me, but I think Risha did an amazing job, and I really love it. I hope you guys enjoyed this video. If you have any other query related to the keratin treatment that I got, you can leave them in the comments down below and I can surely answer them. And please give this video a thumbs up, subscribe to my channel if you haven't already. Bye.